Assalamu alaikum everyone, welcome khushamadeed ji aino and pakhair wagle to all my very beautiful listeners out there. I hope aap tamam log theek honge aur apni apni zindagiyon mein full enjoy kar rahe honge, hai na? अच्छी बात है. और मैं एक बार फिर से उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं, द करियर क्राफ्टर, द अनप्लग्ड पाथ. बिल्कुल, इसमें हम बात करते हैं आपसे मुख्तलिफ शोबाजात के मुतालिक, मुख्तलिफ ऐसी एजुकेशनल फैकल्टीज के बारे में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो उन्हें करनी भी चाहिए या नहीं, या अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो उन्हें किस तरह के आउटकम्स या बेनिफिट्स वहाँ पे मिल सकते हैं और किस तरह के नुकसानात भी हो सकते हैं. जाहिर सी बात है, जब आप किसी करियर का इंतखाब करते हैं, जब आप किसी फील्ड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिविटी देख के चले गए और आपको पता ही नहीं, ओ माई गॉड ये क्या हो गया. ठीक है, तो हमारे इस करियर क्राफ्टर का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को गाइड करना और सही गाइड करना, ताकि आप जो हैं बिल्कुल सही चीज़ सेलेक्ट करें आपके लिए और जो आगे आपको आने वाले फ्यूचर के लिए आपका फ्यूचर आप सिक्योर कर सको और आप कुछ अच्छा एक्सेल कर सको उस फील्ड में जो आपके लिए बनी है. क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं आप लड़के हो तो आप इंजीनियर बन जाओ और लड़की हो तो डॉक्टर बन जाओ, ये किसी ज़माने में होता था, अब ऐसा नहीं होता. अब आप वो करें जो आप जिसमें बेस्ट हो, और वो आप कैसे कर सकते हो वो हम आपको बताएंगे. ये हमारे करियर क्राफ्टर का जो को विजन देना कि आपने कहाँ जाना है, आपने अपना जो फोकस है वो किस तरह से बरकरार रखना है और डिटर्मिनेशन आपकी जो है वो किस तरीके से बनी रहनी चाहिए उस चीज की तरफ जिसमें आप बेस्ट हो. ठीक है, इसके अलावा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं www.facebook.com/naisubhainstitute. बिल्कुल फेसबुक पर आप सब मौजूद होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं. व्हाट्सअप तो सबके पास ही ऑलमोस्ट होता है भाई, जिन कॉम ने व्हाट्सअप 2009 में बनाया गया ना, दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान किया है. तो 0330860072 इज द नंबर. फिर यू गाइस कैन ड्रॉप योर फीडबैक, ऑडियो फॉर्म में देना चाहें ऑडियो फॉर्म में दे दें, टेक्स्ट फॉर्म में देना चाहें तो टेक्स्ट फॉर्म में दे दें. इसके अलावा अभी कोई और ऑप्शन है नहीं, अगर आप चाहें तो वीडियो फॉर्म में भी दे सकते हैं, चॉइस इज योर्स. आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पॉजिटिव एज वेल एज अगर नेगेटिव है लेकिन वो हेल्दी फीडबैक है तो हम उसे बहुत ज्यादा वेलकम करेंगे और करते भी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा वो चीज़ें ना हो जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी या इस तरह में किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा है. तो आप लोगों ने इस हवाले से सोचना है और हमें सपोर्ट करना है और अच्छा करियर सेलेक्ट करना है, और जब वो ऐसा हो जाए तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आप हमें भी याद कीजिएगा, नई सुबह वेब रेडियो को याद कीजिएगा, क्योंकि ये उनका इनिशिएटिव है कि वो आप लोगों को आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड कर सके. नई सुबह यूथ का है, नई सुबह वेब रेडियो यूथ का वेब रेडियो है. ठीक है, तो आप सब लोग जो है उनका थैंक जरूर कीजिएगा. तो बातें बहुत सारी हैं, और उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते, दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ कुरतुलैन अब्बासी विद दिस शो करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ. बहुत सारे प्रोफेशंस जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, एक और प्रोफेशन जो जब आया था तो पूरे मुल्क को लगा था कि बस अब तो सब कुछ यही है, और बच्चे बायोलॉजी छोड़ के हर चीज छोड़कर उसकी तरफ जा रहे थे, और वो था कंप्यूटर. जी, हर कोई कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहा था, और आई टी सब कहते थे बस आई टी का स्कोप है. तो मैंने सोचा ये क्या है, मतलब आईटी है हर जगह पर लेकिन क्या आईटी सबके लिए, मतलब एक तो आता है बेसिक, आप बेसिक सीख लो वो एक अलग है, वो सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप उसको एज अ करियर किस तरह से ले सकते हो. फिर अब आईटी में भी डिफरेंट कोर्सेज आ गए हैं, डिफरेंट चीजें आ गई, तो किस तरीके से आप इस फील्ड में अपने आप को एक्सेल कर सकते हो. तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो इस हवाले से है, हम आज आईटी को डिस्कस करने वाले हैं, भाई आईटी किस तरीके से आपकी लाइफ को बदल सकती है और आप किस तरह से आईटी की वजह से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो. तो आईटी इज शोपा, यानी कि आज का जो करियर है हम आईटी का डिस्कस करने वाले हैं अपने शो में जो कि है करियर क्राफ्टर द अनप्लग्ड पाथ. और फाइनली भाई वो घड़ी आ गई है जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, मैं बात कर रही थी अपने गेस्ट की, और आज हम आईटी के हवाले से बात कर रहे हैं. तो आईटी के हवाले से ही हमारे गेस्ट हैं, ऑन फील्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो शायद बल्कि यकीनन बहुत अच्छा और बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो लोग सोचते हैं और जो सोच कर आते हैं और फिर कहते हैं नहीं हमने तो ये सोचा था और हम ये सोच के आए और अब हम क्या करें. तो वो सारी मिथ्स आपकी यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं, तो आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा और शो एंड तक सुनना पड़ेगा. ठीक है, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, मैं हूँ कुरतुलैन अब्बासी, जब सुनो मुझे सुनो. अस्सलाम वालेकुम अहमद, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर इन आवर स्टूडियोज. थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम. जी बहुत शुक्रिया एनी आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और आप से काफ़ी अरसे बात भी नहीं हुई, चलें इसी बहाने हम ये डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में.
ऑलराइट लिसनर्स, हम बात तो आईटी की करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन आप लोगों को एक और खास बात बता दूं जो मुझे खुद अभी कुछ देर पहले ही पता चली और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए। क्योंकि क्योंकि रेडियो को लोग बहुत ज्यादा हल्का लेते, लोग कहते हैं रेडियो वालों मतलब कौन सुनता होगा, तो जनाब जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो खुद भी एक रेडियो आरजे रह चुके हैं। आजकल वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये तो वो खुद बहुत अच्छे से बता सकेंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वंस अ रेडियो पर्सन ऑलवेज अ रेडियो पर्सन, सो आई एम वेरी ग्लैड कि आज एक आईटी के साथ साथ मेरी अपनी फील्ड से भी एक शख्सियत मेरे पास मौजूद है। तो हम बात करते हैं मिस्टर अहमद, I'm very happy कि आप यहाँ मौजूद हैं। तो आप बताइए कि रेडियो का सफर कैसे शुरू हुआ, आईटी के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा, थोड़ा सा मैं कहता चलो मैं भी ऐड कर लूँगा, लेकिन अच्छी बात है आपने बता दिया। अच्छा बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि देखें आपके अंदर जो होता है ना टैलेंट तो कहीं ना कहीं होता कुछ ना कुछ, ठीक है, आपने उसको बाहर लाना है या आपने उसको पिक करना है कि आपका एक्चुअली टैलेंट क्या है। ये चाहे आप प्रोफेशनल अपनी लाइफ में लगा लें या आपने जो आपका अपना शौक है, ठीक है ना, इन दोनों में भी आप रखेंगे तो आप हमेशा उसमें ही आपको अच्छा लगेगा। यही चीज़ है कि मैं अगर आप रेडियो जॉकी की बात करें तो मैं बचपन से मैं बहुत रेडियो सुना है, मैं FM पे सारा रात सारी जो गज़लें सुनते रहना दिन को जनाब, आरजेज के साथ मेरे लिंक्स भी बन गए अलग ही करम से, आज भी कुछ आरजेज हैं जिनके साथ लिंक है रहे हैं मेरे, लेकिन अब तो रेडियो का जिस तरह का दौर ही चला गया है, अब कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिस तरह के आपके इंस्टीट्यूट हो गई या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो इस चीज़ को इंटरटेन कर रही हैं। तो इस वाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रेडियो का मैंने तभी शुरू कर दिया था जब मुझे रेडियो का शौक हो गया था, सुन सुन के उसका एक आरजे बनने का शौक हो गया था। तो वहाँ से मैंने अराउंड 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, हमारा एक ऑनलाइन रेडियो था, हमारे एक ग्रुप पूरा बैच था हमारा दोस्तों का जिन्होंने हमने ऑनलाइन रेडियो स्टार्ट किया था, उसमें हमने काफ़ी अपना इनपुट दिया और काफ़ी देर तक एक दो साल हमने रेडियो पे गुजारे थे अपने, हमने 2010 में स्टार्ट किया था, 2012-13 तक हम गए थे हमने इसको। पहले तो मैं उधर उनको सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, उनके साथ रहता था, DJ प्ले कर लेना रेडियो वालों के साथ अपने पूरे बैच के साथ, फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट कर लिया एज RJ। तो ये हमारा सिलसिला जो है 2013 तक रहा, फिर हम सारे अपने अपने काम में लग गए, ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में चले गए। तो प्रोफेशनल लाइफ भी मेरी उसी टाइम स्टार्ट हो गई हुई थी। तो ये है कि मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना, दोनों मेरे शौक थे, एक इस तरह IT की फील्ड में आना और IT की फील्ड में आगे जाके जो मैंने अपना कैटेगरी सेलेक्ट की उसमें खुद को कंटिन्यू करना। क्योंकि उस टाइम जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपना कि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था, और उधर जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी तो उसको मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के बाद उधर के बॉस ने मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाई थी कि जनाब आपका जो शौक है या आपने ये कुछ और जाना या आप सिर्फ एक स्कोप देख के आए हैं इसका। तो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन का जो रिप्लाई में मैंने बोला, मैंने यही कहा कि मेरा तो शौक भी यही है और मैंने इसको ही कंटिन्यू करना है। तो उस पे उन्होंने मेरी इस बात पे ना मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर ये भी बात किया कि आपने इसी को अगर कंटिन्यू करना है तो आप फिर ही कुछ बन पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस बात को ही मैंने अपने माइंड में रखा और आज मुझे तकरीबन कोई 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं उसी फील्ड में उसी कैटेगरी से थोड़ा सा आगे गया हूँ, क्योंकि हर चीज़ एडवांस होती है, अब एडवांस लेवल पे जाता जाता मैं आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छा स्किल सेट रखता हूँ। क्या बात है, कमाल है भाई, आरजे मतलब आपकी गुफ्तगू से वो चीज़ छलक रही है, और मुझे लगता है अगर गुफ्तगू का सलीका किसी ने सीखना है ना तो रेडियो इज़ द बेस्ट मीडियम। और दूसरी बात जो आपने कही कि शौक को ही आगे आपने कंटिन्यू किया, तो पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो मेरे ख्याल से मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बहुत कमाल बेहतरीन बात की आपने अहमद, और आई होप लिसनर्स ने भी इसको इन्जॉय किया होगा। अच्छा अहमद, यहाँ पर एक और बात, नई सुबह जैसे आपने कहा कि वो एंटरटेन करता है रेडियो को, बिल्कुल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और एडिटिंग और बहुत सारी ऐसी स्किल्स वो यूथ को दे रहा है जिससे वो उनको एम्पावर कर सके, और नई सुबह वेब रेडियो जो है इसकी एग्जाम्पल है, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इसका पार्ट हूँ, और इस वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। और हमारा शो जिसका नाम है करियर क्राफ्टर द अनप्लग पाथ, ये उन लोगों के लिए है जो कहीं जाके किसी से मशवरा नहीं ले सकते, गाइडेंस नहीं ले सकते और उन्हें कोई फील्ड सेलेक्ट करनी होती है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें इस काबिल कम से कम कर दें कि उन्हें पता हो कि इसके क्या आउटकम्स हैं, क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या इसके जो कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी उनको आगे मिलेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने IT सेलेक्ट क्यों की थी।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा। जिस तरह के आपने बताया अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है किसी को गाइड करने के लिए। देखिए, मैं अपना आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि मैं जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करना था, उससे पहले मुझे ये भी नहीं था पता कि मुझे अपने जो है क्वालिफिकेशन है वो किस फील्ड में जाना चाहिए उसमें आगे। तो उसमें मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे मजा नहीं था पढ़ने का, सीधी बात ये कहूँ। तो मैंने सिंपल ही अपनी ग्रेजुएशन में मैंने आगे गया। अच्छा, तो अब बात जो आती है कि मैंने अपना स्टार्ट कैसे किया। मैं स्टार्ट मेरे उस टाइम माइंड में एक चीज थी कि मुझे अपना स्किल सेट जो है ना वो एक बिल्ड करना है। मुझे अपने आईटी में जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं जब देखता था कि एक बंदा बैठा हुआ है, वो जनाब बैठा हुआ है, एक ग्राफिकल काम कर रहा है, कलर्स ऐड कर रहा है, एक माइंडसेट था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब कलर वगैरह मैं देखता था, एक बचपन से ही चीज थी। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा ना वहाँ पे अट्रैक्ट करती थी उस चीज को देखने में। फिर मैं ग्राफिकल आया, मुझे एक दोस्त आया, कहता चला यार कोर्स करते हैं। जॉबलेस था उस टाइम, ग्रेजुएशन की हुई थी और आगे जो है कोई कोई नज़र नहीं आ रहा था कि करना क्या, कि गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपको गाइड कर रहा है रेडियो, तो मैं कहता हूँ आप फ्री में गाइड कर रहा है, और इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। मैं अपने कैरियर को देख के, अपनी हिस्ट्री देखूं, अपना बिगनिंग देखूं, जो भी पीछे से मेरा पास्ट गुजरा है, तो ये गाइड अगर किसी को मिल रही है ना, तो मैं तो आपको बताता हूँ कि मैंने अपने जूनियर्स को जो अंडर मैट्रिक थे उनको मैंने ट्रेनिंग दिया, और माशाल्लाह आज वो जॉब कर रहे हैं। तो गाइड आपको जो सही गाइड मिल जाए ना, जिसका शौक हो, तो वो भी आगे जा सकता है। एक ऑफिस बॉय, मैं आपको बताता हूँ, एक ऑफिस बॉय था, उसने मुझे देख के ऑफिस में कहा था, मैंने उस टाइम कैरियर का ऐप समझ लें कि 2 साल गुजरे थे, स्टार्ट ही समझ लें आप, तो वो भी कहता मुझे करना है। तो उधर की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। वो अभी इंटर कर रहा था, उसने इंटर भी किया, साथ ही कोर्स भी किया, और आज उसको भी 8 साल हो गए जॉब करते हुए। तो बात सिंपल फिर वही कहूंगा, आपका शौक है और आपको अच्छी गाइड है। तो अगर ये आपको गाइड मिल रही है, तो आपको सिर्फ सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मार्केट में सिर्फ आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। डिग्री नो डाउट एक आपके पास बहुत अच्छी चीज है, एक डिग्री, लेकिन जब आपके पास स्किल ही नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप अपने क्वालिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और आपका शौक है, आप शुरू से लगे हुए हैं। आजकल तो मैं बताता हूँ, मेरे एक कजन है, वो मैं अभी मैट्रिक में था, मैट्रिक से अभी उसने सिर्फ एग्जाम दिए थे, और उसने मुझे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना के दिखा दी कि मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई है, हालांकि उसके कोई फील्ड भी नहीं सिलेक्ट की थी। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर आपके अंदर शौक है किसी भी फील्ड का, सिर्फ आईटी की फील्ड का नहीं, किसी भी फील्ड का शौक है आपको, तो आप उसको कंटिन्यू करें। आपको हमेशा कोई ना कोई उतार चढ़ाव नजर आएंगे आपको। मैं 2 साल जॉबलेस भी रहा हूँ, 1 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट, 1.5 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर जॉबलेस रहा, फिर मैं उस टाइम ग्राफिकल डिजाइनिंग का काम करा था, फिर मैंने उसको वेब वाली साइड पे लेके आया, एक ग्राफिकल प्रिंटिंग वाली साइड पे था मैं, बिल्कुल छोटी सी फील्ड समझी जाती है आजकल, उसको वैल्यू भी कोई नहीं देते। लेकिन जब जब आप सोचते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, स्कोप भी बढ़ता है, एडवांस लेवल पे भी आपको जाना होता है, तो आप रुक नहीं सकते। आए दिन आपकी आईटी ना हो जाए, आपकी मेडिकल साइंस ना हो जाए, किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो आपको आए दिन कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है। तो आप जब तक आप खुद को रोक लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो हमने ये सिलेक्ट करनी होती है। तो मैंने जो है ना, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे जहन में चीजें डाली थी, कि मैंने अपना जो है ना, मैं रुका नहीं कहीं पे, मैंने ग्राफिकल से स्टार्ट किया, फिर मैं उसके कोडिंग वाली साइड पे आ गया, फिर मैंने मतलब कि मेरे जितनी जितनी चीजें सामने आती हैं, मैंने कहा सीखना है, चाहे एक्सपर्ट उसमें हो ना हो, लेकिन कुछ आइडिया होता है और वो बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलता है। तो आई थिंक आपको मेरे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, यानी। जी बिल्कुल, हैंड्स डाउन, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बहस नहीं कर सकती, बिल्कुल आपने सही बात कही, मैं इससे इत्तफाक करती हूँ। अच्छा, एक और बात जो आपने कहा ना, सही गाइडेंस, बिल्कुल सही गाइडेंस सही टाइम पर सही बंदे को अगर मिल जाए ना, तो वो बंदा बूम पर होता है अपने करियर की, जिस भी हवाले से उसे गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन राइट नाउ जाहिर सी बात है, हम एजुकेशन और करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा ना हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा अहमद, आपसे बातें होती रहेंगी, अभी शो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें आपसे डिस्कस करनी है, जाननी है, हमारे लिसनर्स बहुत ज़्यादा बेताब हैं कि उन्हें भी सीखने को मिले। और राइट लिसनर्स, तो आपका फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है। तो 0330860007 2 इज़ द नंबर वेयर यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक।
वॉइस नोट करना चाहें तो वॉइस नोट, और अगर आपको लगता है कि आवाज इतनी अच्छी नहीं है तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं जी। जिन कॉम ने व्हाट्सएप आपके लिए ही तो बनाया है, तो आप सुन रहे हो नई सुबह वेब रेडियो, मुझे कहते हैं कुरतुल अनबासी, जब सुनो मुझे सुनो। और आईटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आईटी में मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट से कि जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो बहुत छोटा सा लफ्ज है लेकिन भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? और सेकेंड, अगर आप थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस बता सकें, और अगर आप एक और चीज़ ऐड कर सकें, मैं एक साथ आपसे तीन चीज़ें पूछ रही हूँ, आप प्लीज़ इसे थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा कि आप इसका जो करियर है आज से 10 साल बाद आईटी को कहाँ देखते हैं एज एन एक्सपर्ट। राइट नाउ बिकॉज यू आर वर्किंग इन प्रैक्टिकल फील्ड, तो आप एज एन एक्सपर्ट आज से 10 साल बाद आईटी को किस तरह देखते हैं, कि इसका स्कोप कैसा होगा या ये कहाँ होगी? तो लोग जो इस तरफ आ रहे हैं तो उनको यू नो सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, तो प्लीज़ नाउ द माइक इज़ योर्स। Over to you. जी, आपके क्वेश्चंस जो है ना मिस हनी बहुत अच्छे हैं, और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जहाँ तक देखा जाए एक्सपर्ट, मैं सीधी बात कहूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और बहुत आगे तक बैठे हुए हैं। जहाँ तक बात है कि आपने बताया कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो एक्चुअली है क्या, मैं आपको सीधी आपने बात बताई कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, सिर्फ दो वर्ड्स नहीं है ये, ठीक है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा आप पास्ट में जाएं कि हमारे पास 2000 में या 2003 में हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था। मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया भी नहीं था। वो कहाँ से आइडिया आया है ये मैं आपको बताऊँगा। हमारे प्रेजिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, ठीक है। मैं तो उनको अगर कहूँ कि मैं उनको दुआएं दूँ कि वो टेली कम्युनिकेशन यहाँ पर लेके आए, और डेवलपमेंट जहाँ तक आपको बताऊँगा थोड़ा बहुत इसका आईटी का ताल्लुक जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में है या ओवरऑल द वर्ल्ड चल रहा है, वो सबसे सबसे पहला स्टार्ट हो सकता है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट मींस कि आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाना है, आप एटीएम मशीन लगा लें, ठीक है। एटीएम मशीन भी अगर आप देखें तो वो भी एक आईटी का ही एक फील्ड में जाती है, उस कैटेगरी है। अब उसके पीछे आपको तो लगता है कि आपने सिर्फ दो बटन दबाने हैं और आपको अपने काम कर लेना है, आपने उसमें से अपनी इंक्वायरी चिट निकाल लेनी है, अपने पैसे जो हैं वो आपने वहाँ से जो है ना निकाल लेने हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या चलती है वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो आप समझ लेंगे। उसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आती है, ऐड होती है, और कंप्यूटर साइंस भी आती है, दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि हमें जब भी हमने अपना आगे कैरियर में आप स्टार्ट करना है, हमने कुछ अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। वैसे तो मैं बताऊं कि अब तो हम इतने एडवांस माशाल्लाह हो गए हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम सॉफ्टवेयर हाउसेस बन गए हुए थे। 2003 में मैं अगर बताऊंगा उससे पहले भी सॉफ्टवेयर हाउस बन गए थे, लेकिन जो एडवांस लेवल आया ना तो वो 2003 के बाद मैंने देखा आया है, सबसे ज़्यादा एडवांस जब हम हुए हैं इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में। तो अब इसके पीछे आप देख लें कि हम उधर से एडवांस क्यों हुए हैं, क्यों हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन आ गई, हमारे पास और ज़्यादा आगे फैल गया, एक से कहते हैं काम फैल जाना, वो एक काम फैल गया, हमारे यहाँ पे स्कोप हो गया, आईटी में जाओ, आईटी में जाओ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो रही है, जो इस बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं लोग, उससे कर रहे हैं, उसकी डिग्री मिल रही है, उसकी डिग्री मिल रही है। एट देंड फिर ये भी होने लग गया था कि हमारे पास बंदे ज़्यादा हो गए थे और जॉब कम हो गई थी हमारे पास। तो इस चीज़ का ये है कहने का मतलब कि आपने अगर अपने करियर को स्टार्ट करना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाना है, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में जाना है। अब इसमें अब अगर डिटेल में जाएँ थोड़ा सा, कंप्यूटर साइंस में जाएँ, कंप्यूटर साइंस आपको सिखाती क्या है कि आप उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलने पड़ती है डेवलपमेंट की, थोड़ा सा आपको मिलेगा उधर से पंच मिलेंगी चीज़ें कुछ कि आपने आगे नेक्स्ट डेवलपमेंट में काम करना क्या है। इंजीनियरिंग इज आल्सो अ डेवलपमेंट फील्ड, लेकिन उसमें आपको एक हार्डवेयर का टच भी मिलता है, बल्कि टच नहीं मिलता, बल्कि ज़्यादातर आप देखेंगे तो हार्डवेयर चीज़ है एक। तो एक फ्रंट एंड होता है हमारे पास, अगर हम देखें कि हमारे पास फ्रंट पे क्या चीज़ चल रही है, अगर आपको एटीएम मशीन की एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन पीछे उसके एक हार्डवेयर लगा हुआ है, उस हार्डवेयर के साथ आपने एक चीज़ को लिंक करना होता है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताता हूँ कि जब मैंने देखा था स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, कॉलेज के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो वो जनाब उनको एक असाइनमेंट मिलती थी कि आपने उस शॉपिंग मॉल में जाना है या उस शॉप वाले के पास जाना है, उस ब्रांड के पास जाना है, या किसी भी ऐसे ऑफिस में जाना है जहाँ पे आप उनको अपना सॉफ्टवेयर सेल कर सकें
या आप उनको बता सकें कि इसकी अहमियत क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक उस टाइम मॉबलिंग की फ्रेंचाइजेस स्टार्ट हुई थी उस दौर में। मैं आपको उस दौर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट ही वहां से, मैंने जहां से देखा था कि स्टार्ट ही वहां से हुआ था सारा काम। तो उस टाइम बहुत स्कोप था इस चीज का। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते थे, वहां पे जाते थे, उन्होंने एक हार्डवेयर के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या कुछ भी ऐसे ऐसा कोई अपनी असाइनमेंट रेडी की और वो आगे गए कस्टमर के पास कि जर आप हमारे, हमने ये किया है, जिस तरह POS लगा लें, पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल आप देखें कि वो उस टाइम पॉइंट ऑफ सेल लेके गए थे कि आपके यह सारा चीजें चलेंगी इस तरह से, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी के पास गए, किसी बड़े स्टोर वाले के पास गए हैं, किसी ब्रांड के पास गए हैं, तो आज आप देख लें, आप आज हर एक के पास पॉइंट ऑफ सेल का एक सॉफ्टवेयर पड़ा है। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड से ही बाहर चीज आई है, और जहां तक आप देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस है तो दोनों मिलके काम करते हैं। इसकी बहुत आगे डिटेल है, आप जाते जाएंगे एक पूरा क्लस्टर आपके सामने आ जाता है। तो आपको जो है ना, ये एक, अगर आप फैसिनेट हैं इस बारे में जानने के लिए, तो ये आपको खुद इस फील्ड में आना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि आपने एक और क्वेश्चन किया है कि पहले क्या स्कोप था, अब क्या है और आगे क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दौर ही IT का है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दुनिया हमसे 50-60 साल आगे निकल गई है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपके IT फील्ड से कितना आगे है। वो दूसरी चीज़ें बाद में हैं कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। तो अगर आपको IT की फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगा दौर ही IT का है। आपके पास हर फील्ड का अपना एक वैल्यू है। मैं नहीं कहता सिर्फ IT ही दुनिया में है, आप रोबोटिक दुनिया देख लें, वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है एक, ठीक है। आप यहाँ अपने सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स देख लें, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस देख लें, ये फ्रंट एंड का कंप्यूटर साइंस का है सारा काम किया हुआ। इंजीनियरिंग भी चल रही है और आपकी कंप्यूटर साइंस भी चल रही है, और ये IT की फील्ड्स हैं। और IT की फील्ड में आप लगा लें डिजाइनिंग, लगा लें आप आगे, लगा लें प्रोसेस के एनिमेशंस, लगा लें अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में आ जाए। तो आपके पास अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ना आपकी कंप्यूटर साइंस आपको अच्छी लगेगी। हाँ, लेकिन अच्छी इस तरह लगेगी कि हमें हर चीज खूबसूरती की पसंद है। हमें एक चीज सामने पड़ी हुई है, हमारे पास अगर फर्ज कर लें एक कार है, ठीक है, कार के अगर आपको कलर नहीं अच्छा लग रहा, आपको उसका स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा, आप कहेंगे मैं इसमें क्या बैठ के करूँ, ठीक है। तो इसी तरह से इस चीज की एक फील्ड है जो मैंने सेलेक्ट की थी, वो थी डिजाइनिंग की फील्ड। तो मुझे फैसिनेट की थी चीज ज्यादा कि एक चीज को खूबसूरत बना के भी हमें पेश करना चाहिए। तो ये चीज भी IT में आती है। आपके IT की हर कैटेगरी आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो। टाइम IT का है, मैं नहीं कहता इसमें स्कोप नहीं, स्कोप है, स्कोप इसलिए है। अब AI देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी IT से ही हम लेके आए हैं। पहले स्टार्ट में AI क्या था, जब हम 2003 से लगा लें, हम एक कार्ड लोड करते थे, हमें एक मैसेज आता था, रिकॉर्डेड मैसेज, SMS आता था, सेंड मैसेज सर्विस आती थी। वो सेंड मैसेज सर्विस क्या थी, वो भी एक बेसिक AI था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। आपने कार्ड लोड किया, मैसेज आ गया। हम पुराने दौर के लोग थे, हम टेलीफोन पर बात करते थे, आगे से टेप चलती है, रिकॉर्डेड टेप, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी IT की ही एक फील्ड में से चीज निकल के आई है। तो अगर अब आप देखते हैं, आपके पास एक जनरेटेड, आपके पास AI है, एक आप ATM मशीन को देख लें, वो भी एक आपको रोबोट ही लगती है। आप उसमें अपनी क्यूरीज ऐड करते हैं, वो आपको आपके मुताबिक उसका रिस्पांस देते ही है। रिबोट्स देख लें, अब रिबोट आपको गूगल देख लें, सबसे बड़ी चीज़ है गूगल ने इस चीज़ को IT को इतना आगे नेक्स्ट एडवांस लेवल तक लेके जा रहा है कि गूगल पे आपको पिछले दिनों एक न्यूज़ आई, मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि एक उनका बंदा है जो कहते हैं खत्ती बंदा कह सकते हैं, वो अपनी उस बंदे को कह रहे थे गूगल की जो ऑफिशियल्स हैं, वो कहते हैं कि जनाब AI जो है ना खुद काम करने लग गई है, अब उसको इंसानों की जरूरत नहीं रही, वो खुद रिस्पॉन्स कर रही है। तो AI जो है ना, आजकल AI में लोग बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, क्योंकि वो एक किस्म का आप समझ लें कि IT की दुनिया का एक मैजिक है। मेरी नज़र में जो मैजिक था वो तो था ही, जो मैं अपने आप को एक बहुत ज़्यादा समझता था कि मेरा बहुत इसमें ना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये मैजिक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, और एक अपना ही इंटरेस्ट मान रहा था। लेकिन AI जो चीज़ है ना, वो आप आइडिया भी नहीं है, आपके फ़ोन में अगर आप बात कर रहे हैं, ये मैं आपको AI का इसलिए कह रहा हूँ कि अब दो AI का आ रहा है। अब आप फोन में, मैं आपको लिटरली एक चीज बताता हूँ कि मैं खुद उस चीज को देखकर परेशान हो गया था कि मैं एक ब्रांड का नाम ले रहा था अपने फोन पे, ठीक है, बाहर कहीं पे, घर आया अपने फोन पे देखा तो उस ब्रांड की ऐड आ गई। तो आप ये लगा लें AI कितनी पावरफुल है, और बहुत चीप है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है।
ये आप हैकर्स देख लें क्या कर रहे हैं, हैकर्स भी तो ये काम है, आईटी की फील्ड में है, वो आपको हैक कर लेते हैं, आपका पूरा सिस्टम अब आईटी पे चल रहा है। और अगर आपने किसी फील्ड में रहना है, इस आईटी की फील्ड में आना है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, बहुत बड़ी चीजें हैं इधर, आप जो चुनेंगे, आप जो उम्मीद है। और इसी चीज़ को मैं जो है ना अपने जितने भी अपकमर्स आते हैं, मेरे जितने अभी तक जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ, उनको भी मैं यही कहता हूँ यार, अगर एक चीज़ पकड़नी है ना तो उसको पकड़ लो, इसी फील्ड में चाहे रहो लेकिन उसके एडवांस लेवल पे जाओ। तो अब जो हम कर रहे हैं वो एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे, तो स्कोप तो है इसका, इसमें आपका कोई शक नहीं है। तो आई थिंक हमें अगर किसी भी फील्ड में जाना हो तो करना चाहिए, आईटी की फील्ड की स्कोप तो बहुत है, बहुत स्कोप है। थैंक यू सो वेरी मच अहमद, आपने मुझे इतना डिटेल्ड आंसर दिया, आई होप लिसनर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, और बिल्कुल इसका स्कोप है। और मेरे ख्याल से अब तो ग्राउंड ऑल सेट, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, ठीक है, अब तो आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, एफर्ट्स थी, अब उतनी नहीं है, और अब तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं और लोग उन्हें हायर करते हैं। किसी ज़माने में से कोई पूछता नहीं था भाई लोग लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आज वो लोगों तक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है। मतलब हमारा शो आईटी से रिलेटेड है और हमारे गेस्ट वो खुद एक आरजे रह चुके हैं, तो मतलब आज शो मतलब उतना टेम्पो वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सीरियस टॉक होती है ना। और एक मुझे यहीं से एक क्वेश्चन आया जो मैं हमेशा सुनती थी कि आईटी वाले लोग जो होते हैं मेजॉरिटी, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आईटी वाले लोग थोड़े से बोरिंग होते हैं, तो भाई हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर अहमद, आप प्लीज़ बताइए ये मिथ है या कोई थोड़ी बहुत सच्चाई भी है इसमें। और एक और बात, ताकि आप एक साथ जवाब दे सके मुझे आसानी से, दूसरा ये कि आप जो लोग आईटी में आना चाहते हैं मतलब, और आप चाहते हैं कि वो लोग ना आए क्योंकि वो क्वालिटीज जो आपको लगता है कि आईटी पर्सन में होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप वो बात बताएं जिसकी वजह से आप लोगों को मना करेंगे कि भाई आप आईटी के लिए सूटेबल नहीं हो या आप नहीं आ सकते हो, तो वो रीजन जरूर दीजिएगा। ये दो क्वेश्चन है, आप प्लीज बताइए पहले तो वो कि मिथ है या सच्चाई है। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत बेसिक्स हैं और बहुत अच्छे हैं किसी भी फील्ड के लिए, या आईटी के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के लिए। देखिए, एक होता है एंगर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अगर ये आपके पास एंगर मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये कस्टमर केयर वाले भी जानते हैं जो कॉल सेंटर में जॉब्स करते हैं, उनको भी पता है कि उनके उनके साथ क्या होती है, ठीक है ना, वो आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी कस्टमर केयर वालों की ना क्या कहते हैं वो जो मुना भाई कहता है वाट लगा देते हैं बगल के। तो आपको आपको मैं सिंपल ही चीज़ बताता हूँ कि आपने किसी भी फील्ड में जाना है ना, आईटी में नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपने अपना अपने आप को किस फील्ड में कैसा अपना इमेज बनाना है। तो आईटी वाले मैं नहीं कहता बोर होते हैं, मैं कहता हूँ कि आईटी वाले जितने आपको इंटरटेन करने में लगेंगे ना कहीं नहीं लगेंगे। क्यों? देखें, एक चीज़ होती है कि आप लोग लोगों से ना ज़्यादा डिस्कशन में रहते हैं, किसी भी दूसरी फील्ड में लगा लें, लाइक मेडिकल फील्ड में लगा लें, कि आप इन टच रहते हैं लोगों के साथ, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप बाहर किसी मार्केटिंग एरिया में चले जाएं, मार्केटिंग फील्ड में चले जाएं, तो वहाँ पे भी आपको लोग आपस में बातें करते रहेंगे, किसी ना किसी कम्युनिकेशन में रहेंगे। जो हम आईटी के लोग हैं ना, हम इस चीज़ से फंसते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कम हो जाती है। क्यों? हमारे पास वर्कलोड जब होता है, या हम हमारे अपने कुछ टास्क हमने कंप्लीट करने होते हैं, तो हम सिर्फ काम में लगे होते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हम जब काम कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने अब यहाँ पे फंस गए हैं, चीज़ हमारे सामने होती है, सोल्यूशन हमारे पास सामने होता है, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों में जाना पड़ता है, बहुत से अपने आप इंप्रूवमेंट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। वो क्या कहते हैं, गुस्सा खाना नहीं है हमने, हमारा फील्ड ही ऐसी है कि, और आप बड़ी कंपनीज में चले जाएं तो वहाँ पे आपको जिनको एंगर मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है उनका कोर्स करवाया जाता है, कंपनी खुद करवाती है। तो एंगर मैनेजमेंट सिस्टम का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये आपको हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। हमारा, मैं मार्केटिंग की जॉब भी कर चुका हूँ 1.5 साल, जब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था, तो उधर मुझे एक चीज़ सिखाई थी मेरे बॉस ने, कहते हैं कि भाई अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो आपने आपसे उनकी बात नहीं बन पा रही, आपसे उनकी डील नहीं हो पा रही, तो आपने क्या कहना है उनको बड़े प्यार से, सर कोई मसला नहीं, हम कल आ जाएंगे, हम परसों आ जाएंगे, फिर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हर फील्ड में ये चीज़ रिक्वायर्ड है। मैं मार्केटिंग से भी आया हूँ, मैंने जनाब आईटी में भी काम के देखा, मैंने हर फील्ड में चीज़ देखी है। तो बोरिंग वगैरह अगर आप होते हैं ना, बोर वाली चीज़ कोई नहीं होती, इंसान को खुद ही अपना जो है ना
पर्सनैलिटी को ना मिच्योर करना पड़ता है, और मेच्योरिटी आपको रिक्वायर्ड होती है हर प्रोफेशनल फील्ड में। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो जरा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। वेल सेड, पहले तो जो आपने मेरा, यानी कि ये मिथ ही है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ओके मान लेते हैं। अब ये लिसनर्स बताएंगे अपने फीडबैक में कि वो आपकी बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, बिल्कुल। और सेकंड मेरा जो क्वेश्चन था कि आप किन लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे आईटी को एज अ करियर या एज अ एजुकेशन आईटी की फील्ड में जाना, और किन क्वालिटीज की बेस पर, मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो उनमें नहीं है तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, हमारे हाथ में पांच उंगलियां हैं, पांचों का साइज डिफरेंट है, क्या आप उस उंगली को निकाल देंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती? ऐसा नहीं होता। तो मसला यह है कि आप किसी फील्ड में जाना है, आईटी की फील्ड में हर कोई आ सकता है, मैं कोई किसी को नहीं रोक सकता किसी फील्ड से जिसका जो इंटरेस्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पिछले दिनों मेरी एक ट्रेनिंग के लिए एक बच्ची ने आना था, उसने मुझे पूछा कि मैं ना ये आईटी की फील्ड में आना चाहती हूँ। मैंने क्यों आना चाहती हैं? जी मुझे ना थोड़ा सा फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं। मैं कहा वो ठीक है, लेकिन आपकी स्टडी क्या है, आप कर क्या रही हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? कहती मैं आईकॉम कर रही हूँ। मैं कहा आईकॉम करके आपका आगे अभी कर आईकॉम में कोई प्रोफेशनल आपने कैटेगरी स्टार्ट की है प्रोफेशनल लाइफ में? कहते मैं टीचिंग कर रही हूँ। मैंने कहा फिर आपने आईटी में क्यों आना है? क्योंकि इसमें वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट देगा। अब ये बात कहीं भी नहीं होती। अगर आपने आईकॉम करना है तो आप आईकॉम की फील्ड सेलेक्ट करें, अगर नहीं आपका इंटरेस्ट बनता तो आप दूसरी फिर दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे। आपने मेडिकल साइंस पढ़ी आप आईकॉम में चले गए, या आपने मेडिकल साइंस पढ़ी और आप आगे से आईसीएस करने लग गए, या कुछ और चले गए किसी कंप्यूटर साइंस में चले गए, तो आपका इंटरेस्ट ठीक है, आपने किया है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। आपको किसी जगह पर ठहराव करना पड़ेगा, आप रुकेंगे तो आप आगे जाएंगे। मुश्किल हर फील्ड में है, आप स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट होते हैं। आपको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने करियर में फ्री बैठ के काम किया सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए। अब तो ये चीजें हैं ही नहीं। अब तो उस टाइम फ्रीलांसिंग पे काम होते थे, लेकिन उस टाइम भी फ्रीलांसिंग पे नहीं थे। अब तो आप घर में बैठे अक्सर आप कंपनीज में चले जाएं आईटी की फील्ड में। अगर मैं बताऊं कि मैं आईटी से रिलेटेड हूं थोड़ा सा, तो उधर से अगर आते हैं लोग हमारे पास इंटरव्यूज देने, मैंने कई इंटरव्यूज लिए हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग करते थे। अब मैं यहाँ बैठ के सोच रहा होता हूँ कि यार सिंपल सी चीज बताऊँ अपनी लोकल लैंग्वेज में कि हम यार झाकी मारते रहे फिर स्टार्ट में। उस टाइम था ही नहीं ये चीजें, उस टाइम भी थी ये हमारे पास प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन हमें उस टाइम इन चीजों को आइडिया नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी फील्ड में हैं तो आपने उसी फील्ड में रहना है। आपको दूसरी लाजमी नहीं कि आपने आईटी में आना है। आईटी में अगर इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको फैसिनेट कर रही है, तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन हर चीज़ को आपको सिलेक्ट करने से पहले उसकी हर अच्छाई और बुराई का और हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट करें इसको। वेल अहमद, वेरी वेल सेट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे मजीद एलेबोरेशन चाहिए आपकी तरफ से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है परसिवरेंस, यानी कि आपकी इस्तकामत बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी फील्ड के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है, जैसे आपने खुद कहा कि आपको ज़रूरत है तो आप स्विच करते हो, लेकिन सिर्फ ये कि अगर तुम आई टी करो या मेरा कज़न आई टी कर रहा है उसको 2 लाख सैलरी मिल रही है, चलो चलो भाई मैं भी चला जाता हूँ, अचानक स्विचिंग इज़ नॉट। तो यही मैं शायद चाह रही थी आपसे सुनना कि ये कौन से लोग हैं जो इस फील्ड में नहीं जा सकते। आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपकी एग्जांपल थोड़े मुझे समझ नहीं है, अगर उसे थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर दें, और साथ में टाइम थोड़ा सा कम है तो आप अपना फाइनल मैसेज भी हमें साथ ही दे दें उन लोगों के लिए जो आईटी को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से वो इसमें अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, तो फिर प्लीज ओवर टू यू। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। मैं इस पे आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, और इसमें मैसेज भी है कि देखें मैंने आपको एक चीज उसके बाद ये भी बताई कि आप कोई भी चीज को सिलेक्ट करें, आपने अगर स्विच करना है तो आप उसमें ऐड क्यों हुए हैं? अगर आपने उसको उसी को स्विच करना है तो आप पहले अपना, उससे पहले मैं आपको डिस्कशन में यही बता रहा था कि अगर आपने आईटी में सिलेक्ट करना है तो फिर उसी फील्ड में रहें। मैंने आप उससे पहले भी एक स्टार्ट में जब अपना बिगिनिंग बताया था कि मुझे मेरे बॉस ने एक चीज कही थी कि अगर तुमने सिलेक्ट कर ले तो तुमने इसी लाइन में रहना है। तो बात यह है करने की कि आपका जो क्वेश्चन है ना कि इसमें कौन ऐड हो सकता है, अपने आप को कौन से लोग हैं जो ऐड नहीं होने चाहिए, मेरे ख्याल से कि ये क्वेश्चन गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इस तरह फिर दूसरा जो है ना वो इस फील्ड में आने के लिए इनकरेज नहीं होगा या किसी और फील्ड में जाने के लिए वो सोचेगा, तो वो उस बंदे का अपना एक माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, यार मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो जहाँ पे मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है
तो आप वही उसी में रहें, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जहां पे आपको स्कोप नजर आ रहा है वहां पे चले जाए। पहले स्कोप आप अपना है सेट कर लें, जब तक आप स्कोप नहीं सेट करेंगे अब आपको आप फिर चेंज करते रहेंगे बार बार, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने ऐसे भी देखे कि लोग, मैं आपको एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे दे दूं कि मैं एक मेरे एक स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त ही हैं, तो वो पहले स्टार्ट में क्या उन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया, उन्होंने फिर जनाब कहीं पे एक पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन पे खड़े हो गए कि फिर ऑफिस मैनेजमेंट में भी खड़े हो गए। अब वो यहाँ पे कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं 2 साल से, वो क्यों कॉल सेंटर में बैठे हैं यहाँ के? उन्होंने अपना स्कोप ही नहीं सेट किया कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने यही देखा कि भाई मुझे जहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है कि जहाँ पे इसका स्कोप है, जिसने कहा ऐसे किसी के कान में आपके कोई बात डाल है ना, आपने नहीं सुननी, आपने वो सुननी है जो आपको लग रहा है कि ये बेटर है आपके लिए। सुनो, वो कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, तो अपने जो बेटर है ना वो सिलेक्ट करें, लेकिन बार बार स्विच ना करें, ये पॉइंट है मेरा। ओके अच्छा, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन शायद मेरे समझने में थोड़ा सा फर्क है। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे क्वेश्चन गलत है। देखिए, ये वही लोग हैं जो स्विचिंग करते हैं या एक जगह नहीं रहते या किसी की सुन के आईटी में आ जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली कि ये तमाम लोग आईटी के लिए सूटेबल नहीं है जो किसी की सुन के इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और थैंक यू, हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा एंड करना चाहेंगे क्योंकि घड़ी जो है ना वो बता रही है कि जाने का टाइम हो गया। तो अहमद, थैंक यू। मिसानी कि आप यहाँ पे ना, आपका जो क्वेश्चन था ना वो एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यू कमर्स को ना डिस्करेज करेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने ना पॉजिटिव पॉइंट से मैंने इसको लेके आया हूँ। आप बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह से, लेकिन मुझे लगता है डिस्करेज नहीं करेगा क्योंकि वो खुद को टटोलेंगे क्या वाकई हम अपनी मर्जी से आईटी की तरफ जा रहे हैं या अम्मी ने कहा था या मेरा कजन है या मेरा भाई है और वो इतना अर्न कर रहा है या मैं बाहर मुल्क जा सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि स्टूडेंट खुद अपने आप को देखे कि वो किस चीज के लिए यू नो कैपेबल है और कितना कॉम्पिटेंट है। बाकी आपने जो कहा वो बहुत सही कहा और मुझे यकीन है कि लिसनर्स का इसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर कमिंग हियर, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सो इंशाल्लाह ताला फिर कभी जरूर आपसे मुलाकात होगी किसी और ऐसे शो में जहाँ पर हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए होंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। और आज का तो मैंने पूरा शो ही बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और आईटी मतलब इतनी वास्ट फील्ड है, मतलब मुझे तो लगता था बस वही कंप्यूटर में जो थोड़ी बहुत चीजें जो हम लोग कर लेते हैं उससे काम हो जाता है, लेकिन आईटी सच्चा वास्ट फील्ड और बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला। और आई गेस आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। लिसनर्स, आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि आज का शो आप लोगों को किस तरह से लगा और आईटी के हवाले से जो आप लोगों के कॉन्सेप्शंस थे क्या वो भी खत्म हुए या नहीं हुए, और हमारे गेस्ट आपको किस तरह के लगे, उनके साथ आपने किस तरह से एंजॉय किया। और माय गॉड, कौन कहता है कि आईटी के लोग बहुत ज्यादा जो है खुश मिजाज होते हैं, वो तो भाई इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो आईटी फील्ड से है, लेकिन वो आईटी फील्ड से है भाई। ठीक है, तो आज का शो बहुत अच्छा रहा हमेशा की तरह और आप लोगों के साथ इसे मजीद खूबसूरत बना दिया। लेकिन अब जो वक्त है ना बहुत जालिम और टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि वक्त का ख्याल करें, नहीं तो फिर जब वक्त आपके साथ कुछ करता है तो फिर आप रोते हैं। तो हमने रोना नहीं है, हमने वक्त का ख्याल रखना है। तो घड़ी की सुइयां कह रही है कि अब टाइम हुआ जाता है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं जा रही हूँ और हमेशा की तरह जाते वक्त एक ही बात कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, सरंजिशों और दावतों में आपने जाया नहीं करना है। अगर आपका कोई नाराज है या रूठ गया तो मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप बस अफसोस में रह जाएं कि क्या पता रोक लेता, क्या पता रोक लेती, या क्या पता मना लेता और क्या पता मना लेती। ठीक है, तो रिग्रेट्स लाइफ में नहीं होने चाहिए। तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया, सेम टाइम सेम प्लेस और इंशाल्लाह सेम चैनल। हाँ बिल्कुल, आप लोगों से मुलाकात होगी नई सुबह वेब रेडियो पर। और मुझे कहते हैं कुरतुल्लाह नवासी, अपना ख्याल रखिएगा। आस्ता ला वेस्ता।